आज हम कंपेयर करेंगे सिंघम ट्रायलॉजी के तीन धमाकेदार मूवीज को, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और अब नया सिंघम अगेन को। कौन सी मूवी सबसे ज्यादा धमाका है, कौन सी है असली सिंघम, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे हिसाब से तो पहला वाला सिंघम से आगे कोई नहीं, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड फाइंड आउट। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी टेलिंग एंड थीम्स की। 2011 में आई सिंघम ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया एक हीरो से, बाजीराव सिंघम। यहाँ सिंघम एक छोटे से टाउन में एक करप्ट नेता के साथ फाइट करते हैं और सिस्टम में अपने ऑनेस्टी और ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। इसकी सिंप्लिसिटी में एक खास बात थी जो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गई। फिर आई सिंघम रिटर्न्स। इस बार रिस्क भी थोड़ा बढ़ गया और मुंबई के बदमाशी से भरे हुए स्ट्रीट में हमारे सिंघम DCP बन के आए हैं। करप्शन पे और डेप्थ में बातें हुई है और सिंघम के कैरेक्टर को एक कॉम्प्लेक्स लेयर मिलता है। पर दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था, और अब नए सिंघम अगेन की बात करें तो उसका लेवल तो कुछ अलग ही है। यहाँ सिंघम सिर्फ पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में नहीं, बट देयर इज अ हिंट ऑफ माइथोलॉजी एंड इवन मोर इंटेंस विलेंस। एकदम नेक्स्ट लेवल सिंघम। जितने डायलॉग्स और पावरफुल सीन्स है, लगता है रोहित शेट्टी ने काफी मास अपील रखा है इस फिल्म। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट का। पहले सिंघम यानी बाजीराव एक सीधा साधा इंसान था, उसका पूरा फोकस था इंसाफ पे, जो सबको दिल छू गया। सिंघम रिटर्न्स में उसमें मैच्योरिटी और डेप्थ आई है और मुंबई में वो एक सीजन ऑफिसर की तरह दिखता है। और सिंघम अगेन, भाई वाह, अब तो सिंघम सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उसका कैरेक्टर माइथोलॉजिकल हीरो जैसा लगता है। एकदम राम का अवतार। ऐसा लगता है कि सिंघम ने पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग के साथ साथ कोई सुपर हीरो का बूट कैंप भी ज्वाइन किया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी का बात करें तो रोहित शेट्टी ने हर एक फिल्म में अपना गेम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ही किया है। सिंघम में छोटे टाउन की ऑथेंसिटी दिखाई गई थी और वो रास्टिक चार्म हमें बहुत पसंद आई। सिंघम रिटर्न्स में वो स्केल और थोड़ा बढ़ गया, और विजुअल्स और एक्शन सीन्स और भी इंटेंस हो गए। और अब सिंघम अगेन में इतने फ्लैशी और लार्जर देन लाइफ विजुअल्स है कि आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगा, वाह शेट्टी सर। एक्शन सीक्वेंसेस। अब एक्शन की क्या ही बात करें, सिंघम का एक्शन ग्राउंडेड था, कुछ रॉ पंचेस और गाड़ी इधर उधर। सिंघम रिटर्न्स में रोहित शेट्टी ने गाड़ियां उड़ाना स्टार्ट किया और वो ट्रेंड बन गया, और अब सिंघम अगेन में तो फुल धमाका है। एक्शन इज नॉट जस्ट अ बिगर, इट्स ऑन अ लेवल। शायद लगता है कि हम लोगों के सीट भी हिल जाएंगे। और माइथोलॉजिकल एंगल सीन्स में तो फुल बॉलीवुड मसाला डाल दिया। म्यूजिक की बात करें तो यार, सिंघम का जो थीम था वो तो आइकॉनिक बन गया, एकदम इम्पैक्टफुल और गूज बम वाला म्यूजिक। सिंघम रिटर्न्स में म्यूजिक एनर्जेटिक था लेकिन उतना भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया, बट विद सिंघम अगेन वो सिंघम वाला थीम और भी इंटेंस कर दिया है, एकदम थंडरिंग बीट्स के साथ। लगता है शेट्टी सर ने सोचा कि चलो ऑडियंस का फुल साउंड सिस्टम टेस्ट करवा देते हैं। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो देखो, सिंघम का जो ओवरऑल इम्पैक्ट और सिंप्लिसिटी था वो अभी भी अनमैच्ड है। आता माजी सटकली, वो जो डायलॉग्स है उसकी कोई बात ही अलग है। सिंघम रिटर्न्स एंटरटेनिंग थी लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं था। सिंघम अगेन में माइथोलॉजिकल एंगल डाल के कुछ नया ट्विस्ट देने की कोशिश किया गया है लेकिन वो उतना भी नहीं हो पाता। ऑडियंस को तो फुल बॉलीवुड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कौन सा है बेस्ट मूवी इन तीनों में से? देखो यार, पहली वाली सिंघम मूवी के आसपास तो सिंघम रिटर्न्स और सिंघम अगेन नहीं आ पाएंगे। उस फिल्म में जो रॉ एनर्जी और पावरफुल स्टोरीलाइन थी वो बस वही एक ऑथेंटिक लगा। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा बड़ा फ्लैशी एक्सपीरियंस चाहिए तो सिंघम अगेन विल कीप यू हुक्ड। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा रिव्यू। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भी तो बनता है ना। दिस इज़ फिल्मी रिव्यू विद रे साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू के साथ।